कातिल का पता चला या नहीं चला? का पता तो जो ऑडियंस है वो लगाएगी। बड़ा अरे बाप मजा रे, आता है रैपिड फायर में। इडली और आलू का पराठा। आलू का पराठा सर, हम मतलब नॉर्थ इंडियन हो ना, तो ना आलू का पराठा सीरियसली? ना। ये तो दोनों ही नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या बोलूँ। ये तो चॉइस आप लोग कीजिए, ये चॉइस मेरे ऊपर मत छोड़िए। प्लीज वॉच माई फिल्म साइलेंस 2 ऑन 16 अप्रैल ऑन Z5 ग्लोबल। हाय, दिस मनोज वाजपेयी एंड यू आर लिसनिंग टू मी एंड वॉचिंग मी ऑन रेडियो ऑलिव विद आरजे तो समीर। लोग इतने एक्साइटेड है ना सर, जानने के लिए कि साइलेंस 2 में क्या होने वाला है। साइलेंस आपकी देखी हुई है? कातिल का पता तो जो ऑडियंस है वो लगाएगी, क्योंकि इस तरह के मर्डर मिस्ट्री में ऑडियंस भी पार्टिसिपेट करती है। वो भी जो है आप सबसे पहले ये बाजी जीतना चाहती है कि मैंने कातिल को पहले पता लगा लिया। बहुत अच्छी फिल्म बनी है समीर, पहले वाले से भी बेहतर और बड़ी है। और जिस तरह के रिएक्शंस हम लोगों को मिल रहे हैं जिन जिन लोगों ने देखी है, वो कमाल है। और अभी आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक शो चल रहा है हमारे हमारे अपने फिल्म के टीम के लिए, और उसके अरे बाद वाह, फिर इंडस्ट्री के लिए एक स्क्रीनिंग रखी है। तो आज आज का दिन काफी हेक्टिक है, काफी हेक्टिक है। राइट। तो Z5 ग्लोबल में कल 16 अप्रैल आपकी साइलेंस 2 रिलीज हो रही है, जिसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। और एक सवाल जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो ये था कि व्हाई साइलेंस? एक जब वारदात होती है कोई बड़ी तो शोर मचता है, तो क्या ये उस शोर के बाद की खामोशी है जिस खामोशी में पुलिस कातिल का पता कर रही है? देखिए, दो लोग खामोश होते हैं जब भी कोई कत्ल होता है। एक जो विक्टिम जो गुजर चुका है वो खामोश होता है, और वो लोग जो उसके बारे में जानते हैं, उस पूरी कहानी के बारे में जानते हैं, वो पूरी घटना के ऊपर नीचे सब जानते हैं, वो सब खामोश होते हैं। तो ये खामोशी जो है वो इतनी ज़्यादा डरावनी होती है कि वहाँ पर पुलिस को अपना काम करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि तो कोई कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन जो है कई बार फॉरेंसिक साइंस का सहारा लेकर के किसी किसी नतीजे तक पहुँचना पड़ता है। तो खामोशी हर जगह हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा होता है तब भी खामोशी रहती है। जो लोग जानते हैं उस मर्डर के बारे में या कातिल के बारे में, वो खामोश रहते हैं, और सही बात। विक्टिम जो विक्टिम है वो खामोश हो जाता है। क्या बात है। और मैंने 2000 में आपकी एक फिल्म आई थी जो कि मैंने 2003 में देखी थी, उस फिल्म का नाम था घात। और वो उस मूवी में भी आप पुलिस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे होते हैं। तैयारी कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था बेचारी उन का। राइट जी जो मामू थे वो आपको बनने नहीं दे रहे थे, हाँ, बनने नहीं दे रहे। खान हाँ साहब ने रोल प्ले किया था उसमें। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज भी आप एक एसीपी अविनाश का रोल प्ले कर रहे हैं साइलेंस 2 में, साइलेंस 1 में भी आपने किया। और इस मूवी में थोड़ा आपके रोल के बारे में और थोड़ा सा जी मैं जानना चाहूंगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे। देखिए, एसीपी अविनाश वर्मा जो है, यूपीएससी कंप्लीट किए हुए आदमी, नीचे से ऊपर तक प्रमोशन हो करके यहाँ तक पहुँचे हैं। काफ़ी फोकस्ड आदमी है, बहुत ही फोर्थराइट आदमी है। उसकी ज़िंदगी में अभी कोई नहीं है, अकेला आदमी है, क्योंकि उनकी शादी टूट चुकी है और एक बेटी है जो लंदन में रहती है, जिससे इनका मिलना नहीं हो पाता, और वो अकेलापन इनको खाता है। इस बेटी से ना 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 मिलना जो है इनको बहुत सताता है। तो एक अकेले आदमी कहानी है जो अपने काम में तो बहुत ही धुरंधर है, बहुत ही फोकस्ड है, और बहुत ही शार्प आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, और ये चाहता है कि जिस तरीके से वो काम पे लगे रहते हैं, उसी तरीके से इनके टीम मेंबर भी एक्सेलेंस दिखाएं। तो उसमें सारे टीम मेंबर इनसे कम थोड़े से पड़ते हैं उसमें, तो इनमें इसके कारण इनके अंदर में फ्रस्ट्रेशन भी आता है। तो एक इस तरह के पिता की कहानी है, एक इस तरह के आदमी की कहानी है, एक इस तरह के एसीपी की कहानी है जो लगातार डिलीवर करता है, लेकिन उसके ऊपर सवाल भी बहुत सारे लगते हैं। राइट। इसलिए शायद आप डांटते भी रहते हैं थोड़ा सभी जी को। डांट खाते रहते हैं सभी लोग। जी
तो कल ये फिल्म रिलीज हो रही है Z5 ग्लोबल में, और मैं आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर खेलना चाहता हूँ, अगर जी, तैयार है बड़ा तो। मजा आता है रैपिड फायर में मुझे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं अभी आपके साथ। OTT और मल्टीप्लेक्स? इफ यू आस्क मी पर्सनली, थिएटर, मतलब मल्टीप्लेक्स नहीं कहूंगा, थिएटर। हाँ, थिएटर? थिएटर। इडली और आलू का पराठा? आलू का पराठा सर, हम मतलब नॉर्थ इंडियन होना तो ना, आलू का पराठा मतलब। सीरियसली, गोइंग आउट और चिलिंग एट होम? चिलिंग एट होम। मेरे टाइप। हाँ, जिम और योगा? आल गो फॉर योगा। योगा। मूवीज और वेब सीरीज? मूवीज एनी टाइम। सस्पेंस और रोमांटिक? सस्पेंस, साइलेंस और नॉइज? साइलेंस। हीरो और विलन? ये तो दोनों ही नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या बोलूं। देखिए, कोई भी आदमी ना हीरो होता है ना विलेन होता है। हर आदमी अपनी कहानी का नायक होता है, हीरो होता है। हर आदमी अपनी कहानी का हीरो होता क्या बात है, क्या बात है। ओके, फैमिली मैन और गैंग्स ऑफ वासेपुर? ये है। ये सवाल तो था सर, मेरे ये तो चॉइस आप लोग कीजिए, ये चॉइस मेरे ऊपर मत छोड़िए, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग है और मैंने ही किया है, लिए। किसी और ने नहीं बाकी किया है। फिनोमिनल काम रहा है आपका हमेशा से, और मैं बस यही कहूंगा कि बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह से ग्रेट, आप अलग अलग किरदार में हमें नजर आते रहें, और आपकी साइलेंस 2 जो है वो आसमान छुए, बहुत सक्सेसफुल रहे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच मनोज जी, और ये मेरा ड्रीम था कि मैं आपसे एक दिन बात करूं, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू वेरी मच। और आप जितने भी दर्शक हैं उनके लिए एक एक आखिरी सिंपल सा मैसेज क्या देना चाहेंगे जो कतर में अभी ये इंटरव्यू देखेंगे? प्लीज वॉच माई फिल्म साइलेंस 2 ऑन 16 अप्रैल ऑन Z5 ग्लोबल। इट्स अ फैंटास्टिक थ्रिलर। प्लीज ज्वाइन अस ऑन दिस रोलर कोस्टर राइड एंड फाइंड द किलर। थैंक यू सो मच मनोज जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।